सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रेड टून फोटो एडिटिंग सीखेंगे, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, साथ में ही मैं फेस स्मूथ करना भी सिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अपना रियल वाला फ़ोटो ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रियल वाला फ़ोटो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबसे एक मैं बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसके वजह से फ्रेंड्स हमको फ़ैन चलाना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत नॉइज आएगा, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन में डाल लेना है। तो देखिए, हम डाल लेते हैं। स्नैपशीट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद यहाँ टूल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है और टून इमेज पर क्लिक कर देना है और इसका ब्राइटनेस इतना पर बढ़ा देना है। इतना कर देने के बाद फ्रेंड्स, फिर टूल्स पर क्लिक करना है, फिर टून इमेज पर क्लिक करना है और एम्बियंस को इतना पर बढ़ा देना है। देखिए, इतना कर देने के बाद यहाँ से फिर कर देना है डॉन। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने फेस पर ऐसे करके थोड़ा सा ब्राइटनेस दे लीजिएगा। चलिए दे लेते हैं। उसके बाद आप जहाँ भी ब्राइटनेस देना होगा प्लीज़ आप दे लीजिएगा। तो चलिए, मेरे को यहाँ थोड़ा सा देना है तो मैं यहाँ दे लेता हूँ। उसके बाद तो फ्रेंड्स, क्या करना है, अपने टूल्स वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करना है और उसके बाद डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर है सेकेंड नंबर पर डिटेल और इसका शार्पनेस को इतना बढ़ा देना है एंड टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा फोटो बिल्कुल ही फुल एचडी में हो जाएगा, कितना भी जूम करेंगे तो नहीं फटेगा। उसके बाद तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और अपने फ़ोटो को क्या करेंगे तो शेयर कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं आप पहले तो लाइटरूम एप्लीकेशन में जाकर कोई सा भी कलर एक बना लीजिएगा। देखिए, मैं कैसे बनाता हूँ वो सिखा रहा हूँ। पहले चलिए हम शेयर कर लेते हैं। चलिए, पहले हम अपना फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो आ गया है। उसके बाद तो फ्रेंड्स, क्या करना होगा आपको, फाइनली लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपको कोई सा भी एक ग्रीन कलर बना लेना है, कोई सा भी कलर आप बना लीजिएगा, बट रेड कलर में फ्रेंड्स पिक्सट एप्लीकेशन में बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, कुछ अलग तरीके से मैं सिखाऊंगा, वो भी प्रोफेशनल तरीके से फ्रेंड्स, आपका रेड टोन डलेगा। तो देखिए कैसे डलेगा। सबसे पहले हाईलाइट को कम करेंगे, इसमें शेडो को हल्का सा बढ़ा देंगे, वाइट बैलेंस एंड ब्लैक बैलेंस को इतना कम कर देंगे। इतना कर देने के बाद फाइनली आपको कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसका वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड मिक्स कलर पे आ जाना है, इसका ग्रीन इतना कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स येलो कलर को सिलेक्ट करके ग्रीन कलर कर देना है। देखिए ऐसे कलर कर लेना है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेचुरेशन को कम करना है एंड लुमिनस को बढ़ा देना है। अब आप जितना फेस रखना चाहे वाइट आप उतना कर लीजिएगा, मेरे को इतना पे रखना है तो मैं इतना पे कर लिया। तो रेड टोन पर क्लिक करेंगे, इसका सैचुरेशन एंड लुमिनस बढ़ा देंगे एंड इसका ह्यू को कम कर देंगे। उसके बाद ब्लू कलर पर सेलेक्ट करेंगे और इसका सैचुरेशन एंड लुमिनस को कम कर देंगे। इतना कर देने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसका टेक्स्चर हल्का सा बढ़ा देंगे एंड क्लियरिटी बढ़ा देंगे। इतना कर देने के बाद यहाँ डार्क्स पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, बिगनेट को हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद डिटेल वाले ऑप्शन पर आएंगे और शार्पनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और नाइट ऑप्शन को हल्का सा बढ़ा देंगे। इतना कर लेने के बाद फाइनली फ्रेंड्स, इस वाले दो ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम ऑन कर लेते हैं। इतना ऑन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड्स, फाइनली अपने फ़ोटो को क्या करना है, तो कहाँ पर शेयर करना है, तो ऐसे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पिक्सट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए हम शेयर कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं पिक्सट एप्लीकेशन में अपने हेयर को मतलब बड़ा करना सिखाऊंगा, तो बिल्कुल ही आसान स्टेप में फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ वीडियो में तक बने रहिए। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने हेयर को बड़ा करना सिखा लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ स्विच वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। देखिए, मैं दिखा देता हूँ बैक आकर फिर से भी। यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्विच लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे करके फ्रेंड्स, फाइनली से ऐसे करके बढ़ाना है। तो देखिए हमारा बाल बढ़ रहा है कैसे।
आप ऐसे करके आराम आराम से करके बढ़ा लीजिएगा जितना आपको बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बाल बहुत ही इमेजिंग लुक में दिखेगा आप अगर इसको बढ़ाते हैं तो, और इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्दी वायरल होगा फ्रेंड्स पिक। देखिए इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स, ऐसे बाल जो बढ़ा ले रहे हैं सभी लोग तो, और बहुत ही जल्दी में ट्रेंडिंग में आ जा रहे हैं, तो आप भी ऐसे बाल बढ़ाकर ट्रेंडिंग में आइए। देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ से कर देंगे डॉन, यहाँ से कर देंगे डॉन फ्रेंड्स फाइनली। उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ क्या करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, ऐसे करके स्क्रॉल करके कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और सॉरी फ्रेंड्स बैक आ जाएंगे, यहाँ से कट कर देंगे। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और ऐसे करके कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और फाइनली से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये कलर, और ऐसे करके फाइनली स्क्रॉल करके ऐसे ऐसे करके आइएगा, ये आपको जो कलर अच्छा लगेगा फ्रेंड्स आप वो कलर रख लीजिएगा, बट मेरे को रेड कलर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा इसमें तो मैं रेड रख लिया और यहाँ से कर दिया डाउन। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कलर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक और कलर है, इस पर भी क्लिक करके इसको भी रेड कर लेंगे। चलिए हम रेड कर लेते हैं, रेड करके यहाँ से कर देंगे डाउन। इतना हो जाने के बाद फाइनली फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक PNG ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं वो PNG खोज लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा वो PNG रेड कलर टोन, इसको ऐड करके फ्रेंड्स फाइनली आपको क्या करना है, तो यहाँ ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और स्किन पे क्लिक करके फाइनली इसको यहाँ पे रख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक इमेजिंग कलर टोन दिखेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको पहले डबल हम कर लेते हैं, तो एक को यहाँ पे रख लेंगे फाइनली फ्रेंड्स ऐसे करके, और सेकेंड वाला है जो इसको यहाँ पर रखेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग दिखेगा फ्रेंड्स हमारा फोटो। इतना कर लेने के बाद सही से एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स और यहाँ से कर दीजिएगा डन। इतना हो जाने के बाद फाइनली फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, तो इस फोटो को सेव कर लेना है। तो चलिए यहाँ ड्रॉअर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, डॉल वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज करके थोड़ा सा इधर कट लगा देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव इमेज कर लेंगे। चलिए हम सेव कर लेते हैं। तो अपने फोटो को फ्रेंड्स फाइनली गैलरी में ओपन कर लेना है। गैलरी में ओपन कर लेने के बाद फाइनली फ्रेंड्स क्या करना है, तो इस अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लीजिएगा। देखिए मैं अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लिया हूँ। उसके बाद एक फ़ोटो रूम नाम के एप्लीकेशन होगा, इसमें आपको फाइनली शेयर कर देना है। तो चलिए हम शेयर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये लोडिंग ले रहा है, तो कुछ देर हम वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए मैं लगभग अभी 20 से 30 मिनट फ्रेंड्स वेट कर लिया हूँ, बट हमारा नेट चल ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, चल ही नहीं रहा है। लगता है मेरा आज 100% उपयोग हो गया फ्रेंड्स डाटा, इसके वजह से नेट नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से मैं आगे वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊँगा बैकग्राउंड ब्लर करना और फेस स्मूथ के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर लीजिए, हाँ भाई लेकर आइए फेस स्मूथ पे वीडियो, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा।